नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज मैं लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जो कंपोनेंट की नॉलेज क्या होती है। क्योंकि आज तक मैंने अपने YouTube कैरियर में अभी तक ऐसे वीडियो कभी अपलोड नहीं किए हैं, नहीं बनाए हैं। मैंने अभी तक जो वीडियो दिए हैं वो सब प्रैक्टिकली बेस पे, बोर्ड पे किस तरह से काम होता है, ऐसे ही वीडियोस हमेशा आपको दिए हैं। तो फर्स्ट बार कोशिश कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बताने की, जिसमें ये जो लेक्चर है ये लेक्चर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फ्रेशर है, अपना फ्यूचर्स इस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में अजमाना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अजमाना चाहता है, उसके लिए ये लेक्चर मैं बनाता हूँ। वैसे तो मैंने अभी तक देखा है मार्केट में जो 5 साल, 3 साल, 2 साल से काम ऑलरेडी करते हैं उन लोगों को, जिसके पास भी जो एक टेक्नीशियन को एक नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हम टेक्नीशियन इस लेवल पे नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए और अपने फ्यूचर्स में आप ऐसी नॉलेज लेके आगे बढ़िए, तो कुछ आप अपना कुछ अलग एक रास्ता निकाल सकते हो, अपना फ्यूचर्स बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो बताने वाला हूं वो लेक्चर है रजिस्टर। रजिस्टर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है कि जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्यूचर है वो वहां से ही स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि एक रजिस्टर को अगर समझा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे कि आप एक कॉइल को देखिए, आप एक कैपेसिटर को देखिए, आप एक ट्रांजिस्टर को, सिलिकॉन बॉडी, सिलिकॉन पार्ट्स कोई भी ले लीजिए, चाहे वो आईसी हो, मॉस्फेट हो, ये सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं हम जो उसको चेकिंग में, उसका कूल टेस्टिंग में जो यूज कर रहे हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, जो रजिस्टेंस देख रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं ये रजिस्टर का ही रूल्स लागू होता है। इसलिए रजिस्टर को बहुत ही बेहतर तरह से समझने की कोशिश करिए। सिर्फ रजिस्टर कलर में कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, कैसे लगाया जाता है, ऐसे ही बातों को समझने से रजिस्टर का बात खत्म नहीं होता है। आपको रजिस्टर की अंदर की सिस्टम है उसको समझना पड़ता है कि जब दो रजिस्टर को सीरीज में ज्वाइंट करने से क्या रिजल्ट मिलता है, जब दो रजिस्टर को पैरेलल ज्वाइंट करने से क्या रिजल्ट मिलता है, जब वो सर्किट में लग जाता है तो उसका रियल में आउटपुट क्या होता है, जब उसका डिवाइडर सर्किट से उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वो पुल अप क्या होता है, पुल डाउन क्या होता है, उसके बारे में आपको बहुत डिटेल के साथ समझने की जरूरत पड़ती है। जब आप आगे काम करोगे, जब बोर्ड पे सिर्फ रजिस्टर को लुक वाइज समझने से नॉलेज नहीं होती। बहुत सारे टेक्नीशियन जो है मार्केट में अपना फ्यूचर्स इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके स्टार्ट करना चाहता है या किया है, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इस फील्ड के अंदर आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसका
एक कहीं ना कहीं एक ही नियम है कि उसको एक सही समझ नहीं है कि किस तरह से सर्किट को समझा जाए, और समझाने वाला भी सही नहीं है। कोई कोई लोग तो है, 2 दिन में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर देता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर देता है और उसके अंदर अपने आप को ये सारी चीजों के अंदर महान समझता है। देखो, मेरा लेक्चर के अंदर 2 दिन तो सिर्फ मेरा रजिस्टर चलता है, रजिस्टर के अंदर इतनी चीज है कि आप उसके अंदर जितनी भी बात करो वो कम है, और 2 दिन में पूरा बेसिक खत्म हो जाना वो बात अच्छी नहीं है। देखो, एक चीज है कि कोई भी चीज के अंदर अगर मैं ज्यादा आपको घंटे बिठा के आपको पढ़ाऊं तो आपको समझ में जल्दी से आ जाता है, और मेरा जो काम है कि 10 दिन का है वो 5 दिन में समझ में आ जाता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आप जिस तरह से 3 दिन का खाना 1 दिन में खा नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने खाना खाया है उसके लिए अंदरूनी सब प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद ही आपको दूसरा दोबारा खाने की जरूरत पड़ती है। अगर 3-4 दिन का खाना 1 दिन में आप खा नहीं सकते, इस तरह से आप स्पीड से कोई जो अगर कोर्स ले रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई चीज के अंदर आपको एक बार समझने के बाद उसके अंदर प्रोसीजर आपको प्रोसेस करनी पड़ती है, उसको समझने उसके टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप दूसरी सिस्टम को समझ सकते हो। दूसरी चीज कि अगर कोई मरीज बीमार है, उस डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि इस चीज का कोर्स करिए। देखिए, जो दवाई लेने से एक बार 3 दिन का जो कोर्स है, 1 दिन में एक बार में ही सब दवाई लेने से वो अच्छा हो जाएगा, इस तरह से नहीं, उल्टा ना प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर बोलता है कोर्स करिए, कोर्स मतलब कि दिन में 3 बार इस टेबलेट को आपको लेना है, इस तरह से पूरा प्रोसेस करना है, एक बार में आप ये सारी चीज को नहीं ले सकते। तो जिस तरह से आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ रहे हैं वो चीज इस तरह से नहीं है। एक साइंस का सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है, उसके रूल्स को समझना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिकली अपना काम कर सकते हो। तो आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर कैसे, वो रजिस्टर के बारे में बेसिक बातें। तो सबसे पहले हर कोई कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट का एक सिंबल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अभी तक जो बेस लेवल के कंपोनेंट है, जो जनरल जो यूनिवर्सल जिसको कंपोनेंट बोला जाता है कि ऑलमोस्ट सर्किटों के अंदर यूज होता है, तो ऐसे 7 से 8 टाइप के कंपोनेंट है आपको मिलेंगे। जो भी कोई कंपोनेंट होगा, चाहे यूनिवर्सल हो चाहे एडवांस लेवल के कंपोनेंट हो, सब कंपोनेंट को इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक सिंबल फिक्स किया है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहीं भी अगर बताना होता है तो उसका प्रैक्टिकली व्यू, फिजिकली उसका व्यू ना बता के उसका सिंबल के माध्यम से उसको बताया जाता है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में सबका जिस तरह से सिंबल होता है, ऐसा ही एक रजिस्टर का सिंबल दिया है, जो आप देख सकते हो। यहाँ मैंने ये सिंबल लिखा है, उसका ड्राइंग भी बताया है, ये आप देख सकते हो कितने टाइप के सिंबल्स होते हैं, और वो सिंबल्स सर्किट्स के अंदर, स्केमेटिकों के अंदर किधर होता है, कैसा होता है, उसके बारे में आज हम इसके अंदर पहले समझ लेते हैं। तो मैं जो बात करता हूं सिंबल की, यहां आपके सामने जो मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हो इस तरह से जिगजैग वाला, ये है एक रजिस्टर का सिंबल है, और ये सिंबल ही आपको कुछ बताता है, उसका जो वर्किंग है, जिस लिए रजिस्टर बनाया है
उसका सिंबल में ही उसका वर्किंग है। देखिए, एक रास्ता अगर कोई चीज का सीधा रास्ता हो और एक रास्ता इस तरह से जिगजैग वाला, मतलब ये दोनों में से कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिस्टर्ब करेगा, अवरोध करेगा, रुकावट करेगा। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो ऊपर वाला जो रास्ता है, जो मैंने आपको सीधी लाइन बनाई है, यही लाइन है जो आपका सीधा, मतलब बिना रुकावट वाला, बिना रेजिस्टेंस वाला, बिना ट्रैफिक वाला है वो रास्ता है। नीचे वाला जो रास्ता है, जो जिगजैग वाला सिंबल बताया है, वो कहीं ना कहीं कोई चीजों का अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, मतलब रेजिस्टेंस है, मतलब एक चीज को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो बाधाएं डालता है। तो रजिस्टर का सिंबल ही उसका वर्किंग बता देता है कि ये सर्किट के अंदर कोई चीजों को कम करने का काम करेगा, वोल्टेज, सिग्नल और करंट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ये खुराक है, ये पानी है, ये ऑक्सीजन है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिंदा रहती है, वो सारी चीजों को कम करने का काम है ये रजिस्टर करता है। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीजों को कम करना पड़ता है, जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं। जैसे कि कंट्रोल का मीनिंग यहां वोल्टेज सिग्नल और करंट को कम करना, ये काम आपका रजिस्टर करेगा। तो सर्किट का अगर सिंबल की बात करें तो दो टाइप के सिंबल आजकल रजिस्टर के यूज हो रहे हैं स्केमेटिकों के अंदर। ये जो सिंबल यूज होगा वो डायग्राम स्केमेटिक में होगा, लाइव बोर्ड में, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज लाइव बोर्ड में प्रिंट नहीं किया जाता है। पहले के बोर्ड में कुछ जो मार्केट के अंदर डेस्कटॉप के बोर्ड थे, टीवी के बोर्ड थे, रेडियो के बोर्ड थे, उसके बोर्ड के अंदर ऊपर भी एक रजिस्टर का सिंबल बताया जाता था, कंपोनेंट का सिंबल बताया जाता था। लेकिन आज ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हो गई है, उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि उसका इतना हो सके। इसलिए आपको स्केमेटिकों के अंदर ये सिंबल आपको बताया जाएगा, और स्केमेटिक में कभी फिजिकल व्यू होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं यहाँ बता देता हूँ, और आपके सामने में अभी स्केमेटिक ओपन करके भी हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो बात करूं, तो डायग्राम में सिंबल दो टाइप के रजिस्टर के बताए गए हैं। वो दो टाइप के सिंबल में इस तरह से है, देखिए। तो यहां तो आपके सामने जो एक सिंबल तो है ही ऑलरेडी, जो कंपलसरी कॉमन सिंबल है, पहले से ही है। दूसरा एक सिंबल ये आया है मार्केट में, ऐसे देखिए, इस तरह से ये सिंबल। ये सिंबल भी कुछ डायग्राम स्केमेटिक में आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक स्केमेटिक ओपन करके बता देता हूं कि ऐसे सिंबल किधर आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए देखिए, यहां मेरे पास अभी एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, जहां एक स्केमेटिक का भाग बताया है। तो यहां आप देख सकते हो, ये जो जिग जैग वाला दिखाई दे रहा है वो रजिस्टर का सिंबल है। ये जो जिग जैग वाला दिखाई दे रहा है वो रजिस्टर है, क्योंकि वो सिंबल से हमें इस तरह से उसकी पहचान होती है। अभी इस तरह से ही आप दूसरी अदर कोई सर्किट को अगर एक स्केमेटिक को ओपन करके देखते हैं, देखिए ये स्केमेटिक ओपन किया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहां देखिए, ये जो सर्किट में आप देख सकते हो स्केमेटिक में, ये चीज है वो आपका एक रजिस्टर का सिंबल है, वो रजिस्टर है। इस तरह से एक सिंबल स्केमेटिकों के अंदर आपको दिखाई देंगे। दूसरा एक सिंबल आपको
ये वाला मिलेगा। देखिए इस सिंबल के अंदर देखिए ये वाला सिंबल मिलेगा। इस सिंबल के अंदर आप देख सकते हो यहां जो रजिस्टर बताया है ये रजिस्टर जिगजैग वाला सिंबल बताया है, और दोनों मोबाइल के ही स्कैमेटिक मैंने आपको ओपन करके बताए, तो कुछ डायग्राम्स कुछ स्कैमेटिकों के अंदर ये सिंबल होता है तो किसी के अंदर वो होता है, मतलब दोनों टाइप का सिंबल आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के अंदर यूज हो रहा है। तो ये तो बात हुई सिंबल के बारे में। अब हम रजिस्टर की जो बोर्ड में पहचान होती है स्कैमेटिकों के अंदर उसकी जो पहचान होती है वो तीन तरह से आप पहचान सकते हो। एक तो उसका सिंबल से जो मैंने आपको सिंबल बताया, दूसरा पहचान होता है उसका कोड से। कोड मींस एक रजिस्टर की पहचान। सिंबल के अलावा आप कोड से उसकी पहचान कर सकते हो। कोड रजिस्टर का होता है R, जो कि मैंने यहां लिखा है कोड है उसका R। जहां भी कहीं रजिस्टर का सिंबल दिया है उसके साथ उसके लोकेशन के कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए बोर्ड में लेआउट सर्किटों में R से उसको बताया जाता है। R मींस रजिस्टर। सब कंपोनेंट की ये बेज चीज सब में कॉमन रहेगी, सबका एक सिंबल रहेगा, सबका एक कोड रहेगा। इसमें रजिस्टर का कोड जो है वो R होता है। तो एक बार हम अलग अलग डायग्रामों में भी देख लेते हैं कि R मतलब रजिस्टर की एक अपनी पहचान होती है। देखिए उसमें ये आप देख सकते हो, यहां मैंने आपको बताया है एक लेआउट बोर्ड जो कंपोनेंट फाइंडर कंपोनेंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए लेआउट बोर्ड होता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये दिखने को मिलेगा। इसमें जहां जहां जो भी रजिस्टर होगा उसका कोड आपको R लिख के आपको मिलेगा। देखिए जहां भी रजिस्टर होगा उसका कोड R होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जहां भी R लिखा होगा वो रजिस्टर का कोड होगा। देखिए इसके अंदर इस सर्किट के अंदर अगर बात करें तो यहां R लिखा है। देखो ये इसके अंदर तो ये रजिस्टर हुआ, उसके बाद दूसरा इधर R लिखा है। देखो इसमें तो ये रजिस्टर हुआ, देखो इसमें लिखा है C, तो ये कंपोनेंट है कैपेसिटर। यहां लिखा है R तो ये रजिस्टर है। इस तरह से यहां L लिखा है तो ये दूसरा अदर कोई कंपोनेंट है, मतलब एक कॉइल है। और यहां देखो तो आप दिखते R है, इधर देखो तो आपको R दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से लेआउट सर्किट में कंपोनेंट का लाइव लोकेशन देखने के लिए उस पे लाइव R लिखा जाता है, जो कि रजिस्टर की अपनी एक पहचान बताता है। दूसरा यहां आप देख सकते हो, देखिए इसके अंदर जहां जहां रजिस्टर है वहां उसका जो कोड है R लिखा है। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है R, यहां लिखा है R, देखो। तो इस तरह से कोई भी जो डायग्राम होता है उसके अंदर इस तरह से R लिखा होता है। दूसरा चीज कि यहां भी स्कीमेटिक एक है, देखे इसमें भी लिखा है R उसके बगल में, रजिस्टर के बगल में। तो इस तरह से लेआउट सर्किट जो पहले कुछ ऐसी सर्किटें थी जो बड़ी बड़ी लैपटॉप सर्किट डेस्कटॉप की जो सर्किटें थी उसके अंदर सॉलिड टाइप के जो कंपोनेंट या एसएमडी टाइप के कंपोनेंट आते हैं उसमें बगल में भी R लिखा है। देखिए यहां आप देख सकते हो एक बोर्ड ऐसा है जिसमें जो भी कोई कंपोनेंट होगा उसके बगल में उसका कोड भी लिखा है। तो कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से भी प्रिंट होती है, लिखा है। देखिए यहां जहां जहां रजिस्टर होगा वहां वहां ये R लिखा है। तो इस तरह से
एक रजिस्टर की अपनी एक कोड के साथ, एक सिंबल के साथ एक कोड होती है। तीसरी रजिस्टर की एक और चीज है जो बहुत ही मायने रखती है, वो जो है इकाई, यूनिट। रजिस्टर का जो मान होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वो ओम्स में होता है। ओम्स एक साइंटिफिक थे जिसने रजिस्टर का आविष्कार किया है। रजिस्टर उसने साबित किया है कि मार्केट में बहुत सारी मेटल है, इस मेटल में कुछ मेटल ऐसी है जो वोल्टेज को पूरी तरह से पास कर सकती है, तो कुछ मेटल ऐसी है कि जिसमें बिल्कुल वोल्टेज को पास नहीं कर सकती है, तो कुछ ऐसी है कि जिसमें कुछ वोल्टेज उसमें से पास हो सकता है, कुछ वोल्टेज उसमें ड्रॉप होता है, वो ड्रॉपिंग है, वही रेजिस्टेंस है, वो साबित किया है ओम्स ने। इसके नाम से उसका इकाई रखा है रजिस्टर का, ओम्स। रजिस्टर सब कोई बोर्ड में आपने देखा है, दिखने में सब सेम सेम होता है, लेकिन अंदूरी से उसका जो वैल्यूज होता है, उसका जो ओम्स होता है, वो सबका अलग अलग होता है, जिससे वो अपना अलग अलग वर्किंग कर सके। रजिस्टर की अगर इकाई की बात करें तो रजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो 3 इकाई में यूज होती है। वैसे तो 4 इकाई भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली जो इंटरनेशनल पे फिक्स, इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स किया है, वो रजिस्टर का 3 इकाई आपको मिलेगा। सबसे पहले तो रजिस्टर आपको ओम्स में मिलेगा। ओम्स 1000 ओम्स अगर हो जाएगा तो 1000 ओम्स से ऊपर का जो भी कोई वैल्यू आपको मिलेगा वो किलो ओम्स में मिलेगा। यहां आप देख सकते हो, यहां मैंने ओम्स के बड़ी जो उसकी इकाई है वो यहां लिखी है, ये आप देख सकते हो, बिग यूनिट, फर्स्ट ओम्स, दूसरा किलो ओम्स और तीसरा मेगा ओम्स। अगर बात करें कि 1000 ओम्स होता है तो 1 किलो ओम्स होगा, और 1000 किलो ओम्स होगा तो 1 मेगा ओम्स होगा। मतलब ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स, ये 3 में वैल्यू होती है। कभी कभी कहीं स्कैमेटिकों के अंदर मिली ओम्स में भी कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, मतलब 1 ओम्स से नीचे का भी जो रजिस्टर होता है वो मिली ओम्स में आता है। तो मिली ओम्स में भी आपको मिल सकता है, ओम्स में भी मिल सकता है, और किलो ओम्स में भी मिल सकता है, और मेगा ओम्स में भी मिल सकता है। ये जो ओम्स का जो स्टेप है उसके अंदर एक एक हजार का एक स्पेस है। मतलब मिली ओम्स से ओम्स में 1000 का स्पेस है, ओम्स में किलो ओम्स के बीच में 1000 ओम्स का स्पेस है, किलो ओम्स में मेगा ओम्स के बीच में 1000 मेगा ओम्स का पेस है। मेरा फील्ड में, इस फील्ड में एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो रजिस्टर बनते हैं वो 20 मेगा ओम्स तक बनता है, उससे ऊपर का रजिस्टेंस नहीं होता है। 20 मेगा ओम्स वो इनफ है उसकी वैल्यू। तो इस तरह से हमने बात की कि रजिस्टर का जो एक इकाई होता है, एक उसके अंदर यूनिट होती है, ओम्स में होती है। अब हम एक बार उस यूनिट को स्कैमेटिक में देखते हैं कि वो किस तरह से लिखा होता है। देखिए, यहां जो रजिस्टर है उस रजिस्टर का जो वैल्यू है, जो मान है, वो बताया है। देखिए, आप 10K लिखा है यहां। 10K मतलब 10 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। दूसरा अगर बात करें, देखिए ये एक स्केमेटिक है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर आपको यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये देख सकते हो, इसमें हर एक रजिस्टर की अपनी एक वैल्यू वहाँ लिखी हुई है। जैसे कि ये देखो, ये एक रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू है यहां लिखी है 200, मतलब 200 किलो ओम्स। और इसके बाद यहां आप देख सकते हो, ये भी एक रजिस्टर है,
और इसकी वैल्यू यहां लिखी है 100 किलो ओम्स। तो इस तरह से बोर्डों के अंदर जहां कहीं भी अगर रजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है तो वहां उसकी अपनी एक वैल्यू लिखी होती है। जैसे कि यहां आप देख सकते हो ये रजिस्टर की वैल्यू 1 किलो ओम्स लिखी है। कोई रजिस्टर ओम्स में होता है, कोई किलो ओम्स में होता है, हर एक बोर्ड में दिखने में रजिस्टर सेम होता है लेकिन उसकी इंटरनल जो रजिस्टेंस होती है वो अलग-अलग होती है। यहां आप देख सकते हो सब रजिस्टर है लेकिन ये रजिस्टर अभी उसकी वैल्यू इसलिए नहीं लिखी है कि ये ओपन है, वो बोर्ड ही में मतलब ये सर्किट बोर्ड में नहीं होगे। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ तो देखो ये एक 51 किलो ओम्स का है और एक 10 किलो ओम्स का है। तो इस तरह से अलग अलग जो रजिस्टर अलग अलग लाइनों पे लगती है अलग अलग वैल्यू की होती है। 3 इकाई मैंने आपको बताई थी, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। तो इस तरह से रजिस्टर का एक इकाई होता है। अब हम आगे बात करें तो उसका फिजिकली प्रैक्टिकली व्यू के बारे में, वो दिखने में कैसा होता है। वैसे तो रजिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन जो जनरली ज्यादातर रजिस्टर यूज होते हैं वो कार्बन रजिस्टर यूज होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ मैंने थोड़ा उसका दिखावा मतलब कि उसका प्रैक्टिकली व्यू दिखाने की कोशिश की है। 2 टाइप के रजिस्टर आते हैं, जैसे कि रजिस्टर ही नहीं अगर हर कंपोनेंट की बात करें तो 2 टाइप के कंपोनेंट मार्केट के अंदर सेम सेम वर्किंग में सेम सेम वैल्यू में आपको मिलेंगे, एक सॉलिड टाइप और एक एसएमडी टाइप। मैंने यहां लिखा है एसएमडी टाइप और सॉलिड टाइप। सॉलिड टाइप कंपोनेंट जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थी उसमें यूज होती थी, इसमें इस तरह से 2 कनेक्शन के लिए तार होते हैं, वायर होते हैं और वो ऐसी सर्किटों के अंदर लगाया जाता है जिसके अंदर एक छेद होता है और वो छेद के अंदर उस कंपोनेंट का तार वायर अंदर पास करके सामने की ओर सोल्डर होता है, जो कि इस तरह से सर्किटें होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं। और एक एसएमडी पार्ट्स होता है। एसएमडी का मतलब होता है कि डिजिटल सर्किट में टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक कंपोनेंट को इतना छोटा बना दिया, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीनी मिट्टी का जो मटेरियल था वो हटा के एक कार्बन एसएमडी टाइप का बनाया, जो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। 2 सिल्वर कलर के जो प्लेट होती है उसके बीच में ब्लैक कलर का जो दिखाई देता है ये है आपका एक रजिस्टर है। और ये रजिस्टर जो होती है उसका एसएमडी इसलिए बोला जाता है, सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब सरफेस मतलब एक सपाटी ऊपर ही लगने वाला, माउंट मतलब लगने वाला एक डिवाइस मतलब एक कंपोनेंट। जो सॉलिड टाइप के कंपोनेंट होते हैं उस सर्किट के अंदर उसका जो मदरबोर्ड होता है उसकी जो सर्किट होती है उसमें छेद किया जाता है और उसके अंदर जो कांटेक्ट है उसको पास करके उसकी सामने की ओर जहां कंपोनेंट लगता है उधर नहीं, उसकी सामने की ओर उसका सोल्डरिंग होता है, उसका जॉइंट होता है, उसका कनेक्शन होता है। जबकि एसएमडी में सरफेस माउंट डिवाइस मतलब उसकी सपाटी पे ही सोल्डर किया जाता है, इसलिए उसको एसएमडी बोला है। चाहे वो रजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, क्वाइल हो, ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, ये सारी चीजों के अंदर ए सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप 2 टाइप के इस तरह से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बता देता हूं, देखिए कि ये आप देख सकते हो ये इमेज। यहां मैंने 2 सर्किट को बताने की कोशिश की है। एक है हमारा सॉलिड टाइप के कंपोनेंट जो एनालॉग सर्किट में यूज होने वाले कंपोनेंट है, रजिस्टर या कैपेसिटर कोई भी, और एक यहाँ एसएमडी वाले। तो देखो अगर सॉलिड टाइप की बात करें तो सॉलिड टाइप के अंदर इस तरह से रजिस्टर दिखने में होते हैं, उस कार्बन रजिस्टर होते हैं। इस रजिस्टर की बॉडी पे एक मान बताया जाता है लेकिन लाइव नहीं लिखा जाता, उसके कलर कोडिंग के हिसाब से उसका मान बताया जाता है। कोशिश करूंगा आगे आपको बताने की कि कलर कोडिंग के हिसाब से उस रजिस्टर की वैल्यू किस तरह से फाइन की जाती है। तो ये जो आप सब देख रहे हो ये इमेज आपके सामने, ये सब रजिस्टर है जो आपका एक सॉलिड टाइप का रजिस्टर है ये सब। और यहाँ आप देख सकते हो एसएमडी टाइप के रजिस्टर जो सरफेस माउंट डिवाइस एसएमडी जो बॉडी के मतलब मेन बोर्ड के ऊपर ही लगाया गया है, ब्लैक कलर का जितना भी आप दिखाई दे रहा है ये सब रजिस्टर है।
ये देखो बहुत सारे रजिस्टर है। दूसरा भी एक आपको मोबाइल का बोर्ड बता देता हूँ। ये देखिए एक मोबाइल का बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर आप देखोगे तो ब्लैक कलर का जितना छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है वो सब रजिस्टर है। देखिए जितने भी ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं आपको इस बोर्ड में, जैसे मैं यहाँ टिक मार के आप करके बताता हूँ। देखिए ये रजिस्टर है, उसके बाद ये भी रजिस्टर है, आप देख सकते हो ये भी रजिस्टर है। मतलब ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये जो मैं टिक कर किया है वो रजिस्टर है। मतलब सर्किट में, सर्किट मदरबोर्ड में लाइव प्रैक्टिकली फिजिकली दिखने में इस तरह से सिल्वर प्लेट के बीच में कार्बन मटेरियल उसके अंदर भर के बनाया जाता है। इस तरह से रजिस्टर सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप दोनों दिखने में होता है। एक दूसरा हम सॉलिड टाइप का अगर देखें, तो ये देख सकते हो ये जो कलर रिंग में आपको बताया गया है उसकी बॉडी पे अलग अलग डिफरेंस कलर की रिंगे दिखाई दे रही है, ये सब रजिस्टर है। ये आप देख सकते हो सॉलिड टाइप के कंपोनेंट है ये सब। तो इस तरह से मेन प्रैक्टिकली व्यू जो बोर्ड होता है उसके अंदर सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप के रजिस्टर दिखने में होते हैं। अब तो अभी हमने देखा कि एक रजिस्टर किस तरह से प्रैक्टिकली व्यू देखने में होता है। आगे देखें तो रजिस्टर का जो वर्किंग है वो वोल्टेज, सिग्नल और करंट के बहाव में रुकावट, मतलब उसको रोकने का काम करता है। अगर सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक सप्लाई है कोई भी, जैसे 10 वोल्टेज है और आपको उसमें से कम वोल्टेज चाहिए, तो आप एक रजिस्टर के मान को फिक्स करके वहां से रजिस्टर से आप वोल्टेज को डाउन करवा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंस वैल्यू के अंदर अलग अलग रजिस्टर होते हैं। लोअर 0 ओम से रजिस्टर, 0 ओम से भी कम वैल्यू का भी हो सकता है, और इतना भी रजिस्टेंस भी उसमें जरूरत पड़ती है सर्किटों के अंदर। वो आगे आगे जब सर्किट आप समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज, सिग्नल और करंट को ड्रॉपिंग करने का काम, उसको कम करने का काम है वो ये रजिस्टर करता है। जैसे सिग्नल को कंट्रोल करना, मतलब कि सिग्नल को कम करना, आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर टाइप के रजिस्टर आते हैं जिसमें आपके जो होम थिएटर होते हैं या तो आपके डीसी मशीन है उसके जो नॉब होते हैं जिसमें आप घुमा के वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हो। उसके बाद उसमें कोई, आपने अगर होम थिएटर देखा होगा तो उसकी जो प्लेयर एम्पलीफायर है उसके अंदर उसके नॉब को आप घुमा के, उसकी नॉब को घुमा के उसके सिग्नल को उसमें से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप अगर बात करें तो रजिस्टर जो है उसकी वॉट कैपेसिटी है, यहाँ लिखा है कि रजिस्टर में करंट सह करने की जो उसकी क्षमता होती है वो वॉट में होती है। अलग अलग टाइप के अलग अलग वॉट कैपेसिटी के रजिस्टर होती है। आपने देखा होगा कि रजिस्टर की साइज छोटी बड़ी होती है, तो साइज के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर जो होता है उसकी वॉट कैपेसिटी फिक्स की गई होती है। वॉट कैपेसिटी मतलब उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का बहाव को सह करने की अपनी क्षमता, हॉट कैपेसिटी, एम्पियर करंट कैपेसिटी। ऐसे तो मार्केट में रजिस्टर है वो 2 वॉट तक ही मार्केट में बनता है। आगे हम रजिस्टर के बारे में अगर इस तरह से लेक्चर बनाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी आगे डिटेल बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट बार कोशिश कर रहा हूं इस तरह से वीडियोस बनाने की। अगर आपको इस तरह से वीडियोस चाहिए, आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये किस तरह से मतलब लगा, ये आपको किस तरह से लगा और आपको आगे मतलब इस तरह से आप नॉलेज लेना चाहते हो कि नहीं। तो इस
लेक्चर में जो आज मैंने आपको रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बेस यहाँ है वो आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें रजिस्टर है वो कैसे होता है, किस तरह से उसका मान होता है, किस तरह से उसका प्रैक्टिकली व्यूज है वो दिखने में होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मैंने आपको थोड़ा बेसिक से कोशिश की है इस लेक्चर में आपको समझाने की। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा और आप चाहते हो कि इस तरह से मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ, मुझे बनाना चाहिए कि नहीं, तो आप कमेंट्स में उसका ज़रूर आउटपुट लिख सकते हो। और दोस्तों, आपको अगर इस तरह से ही डीपली नॉलेज चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा ऑफलाइन कोर्स आप यहाँ आके भी कर सकते हो, या स्कैमेटिक का नॉलेज चाहिए तो मेरा ऑनलाइन भी कोर्स है जो आप घर बैठे भी कर सकते हो, जिसमें इस तरह से ही पूरी डीपली स्कैमेटिक की मैं नॉलेज आपको दे सकता हूँ जो एडवांस लेवल की है। बाकी जुड़े रहिए हमारी चैनल से, हमसे, हम इस तरह से ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।